गुरुदेव, मेरी शादी 6 महीने पहले हुई और मुझे जॉब करना है, लेकिन घरवाले सपोर्ट नहीं करते, तो मैं क्या करूं? मैं शादी से पहले ही जॉब करती थी, घर वाले कहते हैं बस घर संभालना, जॉब नहीं करना। अच्छा अच्छा, शादी के बाद जॉब करने के लिए मना करते हैं, ये बात है। देखो, शादी माने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, तुम्हें उनको समझाना पड़ेगा। तुम शादी से पहले कंडीशन लगाती तो अच्छा होता। शादी से पहले बोलती, शादी के बाद भी देखिए मैं तो काम तो करती रहूँगी, बोल देती। अब शादी के बाद हो तो थोड़ा सा करना पड़ेगा तुमको, उनको समझाओ या उनकी रास्ते पे चलो। 1 साल तुम ना करो, घर संभालो। अब घर में क्लेश बढ़े तो बोलेगा अरे कहीं ना कहीं काम लो तुम जाओ, तो खुद ही बोलेंगे। तब काम लेना। देखो, युक्ति जीवन में हमें लगानी पड़ती, हर चीज़ हमारी मुताबिक नहीं चल सकते, कुछ हमें दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, दोनों जीवन में ज़रूरत है। अपनी बात जब हमको सही लगे उसको मनवाओ, मनवाने के लिए युक्ति लगाओ, बुद्धि लगाओ, अपनी सारी कुशलता का प्रयोग करो, उधर मनवाओ उनको। यहाँ एक लड़का आया था, वो एक लड़की के प्रेम में पड़ गए, दोनों आपस में प्रेम में पड़ गए, घर वाले मान नहीं रहे थे। हमने कहा देखो, घर वालों को नाराज करके तुम लोग शादी करोगे तो दोनों दुखी रहोगे, इनके घर वाले भी उधर भी दुखी रहोगे। हमने कहा तुम उनको मनवाओ, बाद में आओ मेरे पास आशीर्वाद देते आओ। क्या करते हैं, पहले आके हमसे आशीर्वाद लेके फिर घर वालों के पास जाते, गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दे दिया, अब आप दो। तो बात वहाँ नहीं रुकती, फिर घर वाले यहाँ आके माता पिता दौड़ के आते, गुरुजी आपने कैसे आशीर्वाद दे दिया, हमको पसंद नहीं है ये। तो इसलिए हम तो ये कहते सेफ्टी वॉल्व ये लगा देते, पहले घर वालों को मनवाओ, उनकी आज्ञा लो, वो लोग आशीर्वाद दें, फिर बाद में जहाँ पर क्या अनुकूल ये पड़ता है, माता पिता बाद में गुरु। स्थान ऐसा है तो पहले इनसे मनवा के लेके आओ। तो लड़का फिर 6 महीने साल भर लग गया दोनों को। अब उनके माता पिता आके मुझसे बोल रहे हैं आपके यहाँ प्रेजेंस में, सान्निध्य में हम शादी करवाना चाहते हैं। हमने कहा लड़के को, अच्छा इन लोगों ने कर लिया काम अपना, वही लोग आके पहले तो इतना मना कर रहे थे, यहाँ तक बोल रहे थे ये शादी करेगी मेरी बेटी तो मैं तो फांसी लगा लूँगा, तो दूसरी जाति का है मैं फांसी लगा लूँगा। वही माता पिता आज आके बोलते नहीं इनको शादी हम कराएंगे। नो मनवाया ना इन्होंने, बातचीत करी, कुछ तो किया। ये युक्ति लगाओ इस तरह से, युक्ति से जीवन में सुख मिलता भाई। महाभारत का युद्ध भी युक्ति से जीती गई, सीधा सीधा ढंडे से नहीं जीता गया महाभारत। तो बुद्धिमत्ता के साथ, युक्ति के साथ तुम लोग एक काम करो,